so hello everybody welcome to the video so in the previous classes we have already done the previous year question analysis हमने जो है वो previous year questions का ka analysis कर लिया था और previous year questions का ka analysis करने के बाद we have chalked down the themes और फिर जो है वो we try to cover each and every topic फिर उसके बाद जो है वो हमने जो है वो topic coverage जो है वो शुरू कर दी थी we try to cover each and every topic सो इन दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दी जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज़म हमने जो है वो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज़म को ऑलरेडी कर लिया था देन वी मूव टूवर्ड्स दी हार्डी वाइनबर्ग लॉ हार्डी वाइनबर्ग लॉ किया था हार्डी वाइनबर्ग लॉ क्या कह रहा था दैट अगर आपके पास अगर आप नेचर को जो है वो किसी भी तरह से छेड़ेंगे नहीं तो नेचर भी जो है वो आपके पास इक्विब्रम जो है वो मैंटेन करके रखती है यानी कि वो भी जो है वो आपके जीन्स को कुछ नहीं कहेगी फिर जो आपके पास दूसरी चीज़ आई अगली जो आपके पास चीज़ आई थी हार्डी वाइनबर्ग लॉ के बीच में ही वहाँ पे हमने देखा था दैट वॉट आर द चेंजेस दैट कैन अकर आपके पास कौन कौन सी चेंजेस जो हैं वो हो सकती हैं दो तरह की चेंजेस थी आपके पास ठीक है एक थी आपके पास डायरेक्शनल चेंजेस और दूसरे थे आपके पास रेंडम प्रोसेस या फिर रेंडम चेंजेस जो आपके पास डायरेक्शनल चेंजेस हैं इनके अंदर वी सॉ कि आप जो है वो इंटेंसिटी भी मेज़र कर सकते हो यानी कि आप जो है वो अमाउंट भी मेज़र कर सकते हो और अमाउंट के साथ साथ जो है वो आप इसकी डायरेक्शन जो है वो भी जो है वो मेज़र की जा सकती है देन द नेक्स्ट वन इट वॉज द रेंडम चेंजेस रेंडम चेंजेस के अंदर यू कैन मेजर द इंटेंसिटी बट यू कैन नॉट मेज़र द डायरेक्शन डायरेक्शन को जो है वो आप माइनस कर दो तो, डायरेक्शन जो है वो आप मेज़र नहीं कर सकते सो दीज वर द रेंडम चेंजेज़ डायरेक्शनल चेंजेस वी हैव ऑल ऑलरेडी डन डायरेक्शनल चेंजेस जो है वो सारी की सारी कर ली थी पहली हमने डायरेक्शनल चेंज स्टार्ट की थी माइग्रेशन से माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो ठीक है जीन फ्लो से शुरू किया था फिर उसके बाद जो है वी वेंट टू वर्ड्स म्यूटेशन म्यूटेशन तक गए ठीक है दोनों माइग्रेशन के अंदर भी हमने देखा था कि जो है वह आपके पास जीन्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं इंटेंसिटी भी कैलकुलेट कर ली फिर उसके बाद हमने म्यूटेशन देखी म्यूटेशन के अंदर भी हमने कैलकुलेशंस की हमने देखा कि जीन्स जो हैं किस तरफ जा रहे हैं ठीक है फिर उसके बाद अबव ऑल वी डेड सिलेक्शन सिलेक्शन के अंदर हमने देखा कि आपके पास किस तरह से हेट्रोजाइगॉड्स को जो है वो फेवर किया जाता है अगेन वी कैलकुलेटर पर्टिकुलर डायरेक्शन हमने जो है वो डायरेक्शन को कैलकुलेट कर लिया था अब बारी जो है वो आपके पास रेंडम चेंजेस की है अब हम एक एक करके रेंडम चेंजेस को पिक करेंगे और उनकी जो अमाउंट है वो देखने की कोशिश करेंगे ठीक है सो बिफोर वी स्टार्ट इफ यू वॉन्ट टू डाउनलोड द पी डी एफ फाइल अगर आप पी डी एफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं यू कैन डाउनलोड दोटू आई एस एकेडमी ऐप आप ऐप को डाउनलोड कीजिए इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए इनसाइड द स्टोर सेक्शन यू विल फाइंड दिस कोर्स ये जो आपको कोर्स है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल एंड रिविजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स दैट विल बी अवेलेबल टू यू इसके रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाइए रिसोर्स सेक्शन के अंदर आपको जो पी डी एफ है दैट विल बी अवेलेबल सॉरी पी डी एफ जो है दैट विल बी अवेलेबल फॉर फ्री ये जो है वो आपको मुफ्त में जो है वो मिल जाएगा सो दिस इज एंथ्रोपोलॉजी डे सिक्सटींथ पॉपुलेशन जेनेटिक्स सो पहला जो आपके पास रैंडम प्रोसेस हैं या फिर रैंडम चेंजेस हैं दैट इज ड्रिफ्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट या फिर सिविल राइट इफेक्ट देखो ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट का मतलब ही ये है इट इज बेस्ड अपॉन चांस ठीक है जेनेटिक ड्रिफ्ट की जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है दैट द पापुलेशन मस्ट बी स्मॉल जो आपके पास पॉपुलेशन साइज है जो आपके पास पॉपुलेशन साइज है इट शुड बी स्मॉल ये जो है वो आपके पास कम होना चाहिए ठीक है पॉपुलेशन साइज जो है वो छोटा होना चाहिए जो आपके पास जीन फ्रीक्वेंसी है वो जो है देन आपके पास आपको ये पता चलेगा कि जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो चांस के साथ जो है वो फ्लक्चुएट कर सकती है क्योंकि यहाँ पे चांस आ गया बिकॉज चांस की बात है तो आपके पास जो इसकी डायरेक्शन है दैट कैन नॉट बी मेज़र डायरेक्शन को जो है वो आप मेज़र नहीं कर सकते तो ये क्या बन गई आपके पास रेंडम प्रोसेस बन गई रेंडम चेंज बन गई रैंडम चेंज क्यों क्योंकि डायरेक्शन को जो है वो मेजर नहीं किया जा सकता ठीक है डायरेक्शन कैनॉट बी मेजर्ड अब आपके पास जो है पॉपुलेशन साइज स्मॉल है अगर कुछ भी छोटे से छोटा भी चांस आ जाता है छोटे से छोटा छोटा भी ड्रिफ्ट आ जाता है छोटे से छोटी भी फ्लक्चुएशन आ जाती है तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा आपके पास तो इस चीज को हम कहते हैं सिविल राइट और जेनेटिक ड्रिफ्ट ठीक है इस चीज को हम सिविल राइट इफेक्ट या जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं द जब आपके पास छोटी पॉपुलेशन होती है तो जीन फ्रीक्वेंसी जब चांस के ऊपर फ्लक्चुएशन शो करती है इस चीज़ को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं अब चांस कैसा भी हो सकता है हो सकता है कि जैसे इन पोलिनेशियन आइलैंड बहुत सारे ट्राइब्स के अंदर ऐसा हुआ है कि जब आपके पास बहुत सारे लोग जो कि अच्छी सेहत वाले लोग थे वो किसी किसी फिशिंग एक्सपीडिशन में गए और समंदर में जो है वो आपके पास एकदम से तूफान आ गया तो सारे के सारे डूब गए अब नाउ दिस इज द मैटर ऑफ चांस ये मैटर ऑफ चांस है ठीक है अगर कोई सरवाइव किया तो उसके जो जीन्स हैं वो आगे प्रपैचुएट कर गए अब जो जिसकी डेथ होगी उसके साथ जो है उसके जीन्स भी मर गए ठीक है सो दीज आर सर्टन रेंडम चेंजेस क्योंकि चांस की बात हो रही है यू कांट प्रडिक्ट कि कौन से जीन्स जिंदा रहेंगे कौन से जीन्स मरेंगे जैसे आपके पास आप सिलेक्शन की बात कर रहे थे सिलेक्शन के अंदर हम प्रॉपरली कैलकुलेट कर लेते थे कि आपके पास पहले अगर नेचर एडवर्स भी हुई तो पहले जो है वो आपके पास बहुत तेज़ वेलोसिटी होगी फिर एकदम से गिर जाएगी तो आप जो है वो एक, एकब्रम में जो है वो आ जाओगे बट रैंडम चेंजेस के अंदर जो है जो आपके पास जीन्स की फ्रीक्वेंसी है वो चांस के ऊपर जो है वो निर्भर करती है ठीक है इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन के अंदर जो है ये नहीं आती एंड द एक्सप्रेशन दैट द सिविल राइट गेव इट वॉज दिस दैट इट इज डेल्टा मैं इसको दोबारा से लिख के दिखा देता हूं दैट इट मीन्स इसका मतलब क्या है ड्रिफ्ट कितना ड्रिफ्ट आया है ठीक है इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू वन माइनस क्यू ओवर टू एन ई ठीक है क्यों का मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन लेट से हम किस एलेल को किसी ए एलेल को जो है वो स्टडी कर रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है क्यू ठीक है और एन का मतलब क्या है एन इज द पॉपुलेशन एन जो है वो आपके पास पॉपुलेशन है द नंबर ऑफ पीपल दैट आर लिविंग ठीक है तो इससे हमें क्या पता चलता है इस चीज को बाहर निकाल लो इस चीज को बाहर निकाल लो नाउ दिस इज कॉन्स्टेंट ठीक है, ये आ गया ओ गेटिंग द पॉइंट ठीक है नाउ इससे आप क्या ड्राइव कर सकते हो इससे आप जो है वो क्या ड्राइव कर सकते हो डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट क्यू वन बाय क्यू ओवर एन ई इससे आप क्या ड्राइव कर सकते हो डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एन ई वेरी 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 इंपॉर्टेंट इस एक्सप्रेशन को याद रखना ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है तो इससे आपको क्या पता चलता है कि यू नीड अ बिगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो आपको चाहिए होती है अगर आप जेनेटिक ड्रिफ्ट जैसी चेंज को न्यूट्रलाइज करना चाहते हो ठीक है सो प्लीज इस चीज को जो है वो याद रखिएगा दैट द जेनेटिक ड्रिफ्ट इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर रूट ऑफ एन ई एन ई का जो स्केयर रूट है उसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है सो इससे जो है वो आपके पास क्या कंक्लूजन निकलता है वट द कंक्लूजन इट कैन बी ड्रॉन दैट इफ यू वॉन्ट टू अवॉयड अ जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर आप जेनेटिक ड्रिफ्ट को अवॉइड करना चाहते हो देन यू नीड अ वेरी बिगर पॉपुलेशन बड़ी पॉपुलेशन का होना जरूरी है जो छोटी कम्युनिटीज हैं जो एंडोगेमस कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ये इट कैन बिकम इट अ डोमिनेंट फोर्स ये जो है वो आपके पास एक डोमिनेंट फोर्स जो है वो बन सकता है ठीक है जो एंडोगेमस कम्युनिटीज हैं उनके अंदर जो छोटी कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर ठीक है नाउ वॉट आर द कॉज ऑफ द जेनेटिक ड्रिफ्ट सो द फर्स्ट कॉज जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है द डिग्री ऑफ द रैंडम फ्लक्चुएशंस ये जैसे जैसे आपके पास पॉपुलेशन साइज छोटा होता है वैसे वैसे ये जो है वो बढ़ता रहता है ठीक है वही चीज जो मैंने पीछे बताई वही लिखी हुई है पहला कॉज है फाउंडर प्रिंसिपल फाउंडर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपके पास जो फाउंडर पॉपुलेशन है अगर आपके पास जो है वो फाउंडर पॉपुलेशन है अगर जो है वो बहुत कम है छोटी पॉपुलेशन है तो आपके पास जो जीन्स की फ्रीक्वेंसी है बिकॉज फाउंडर पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि ये आपके पास एक जोग्राफिकल एरिया है एक क्लोज जोग्राफिकल एरिया है या फिर एक क्लोज कम्युनिटी है उसके लेट से आपके पास जो है वो 50 से 100 इंडिविजुअल्स हैं 50 के 100, 50 या 100 इंडिविजुअल्स ने क्या किया कि इन ब्रीडिंग करनी स्टार्ट कर दी ठीक है तो आपके पास कुछ जीन्स होंगी देयर विल बी सर्टेन जीन्स देयर विल बी सम जीन्स जो कि होमोजाइगोट्स के अंदर जो है वो आनी स्टार्ट हो जाएंगी तो अगर आपके पास कुछ जीन्स होमोजाइगॉसिटी के अंदर आनी स्टार्ट हो गई देन ऑब्वियसली आपके पास जो जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं वो आपको जो है वो आ, पापुलेशन के अंदर जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे ठीक है और लेट से अगर आपके पास बहुत कम लोग ही हैं आपके पास होमोजाइगोसिटी बहुत इंक्रीज कर गई है तो आपके पास लेट से उस पॉपुलेशन का कुछ सेक्शन जो है वो उसकी डेथ हो जाती है तो पूरे के पूरे जो आपके पास होमोजाइगोट अलिल्स हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे सो तो इसके साथ जब आपके पास फाउंडर प्रिंसिपल लगता है और इनब्रीडिंग हो रही होती है तो इसके साथ हमें क्या देखने को मिलता है कि जो चांसेस हैं सिविल राइट इफेक्ट लगने के वो जो है वो आपके पास इंक्रीज हो जाते हैं ठीक है सो द फाउंडर प्रिंसिपल इट से ड्रिफ्ट कैन अराइज थ्रू द फाउंडर इफेक्ट विच अकर्स वेन अ पॉपुलेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जब छोटे बहुत कम इंडिविजुअल जो है वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो आपके पास क्रिएट कर देते हैं ठीक है द न्यू पॉपुलेशन इट मे इन एक्वायर न्यू जीन फ्रीक्वेंसीज क्रोमोसोमल अरेजमेंट सिंपली बिकॉज ऑफ द फाउंडर प्रोजेस दैम ठीक है फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द पिगमेंटोसा रिटीनस पिगमेंटोसा का केस ले लीजिए यूरोप की कुछ पॉपुलेशन के अंदर जो कि छोटे छोटे आईलैंड के अंदर ऊपर है उनके अंदर रिटेन जो आपके पास पिगमेंटोसा की बीमारी है जो रेटीनस पिगमेंटोसा है कि थोड़े थोड़े रेटीना के ऊपर जो है वो टिश्यूज़ जो है छोटे छोटे बिल्टअप होना शुरू हो जाते हैं सो so, वो जो आपके पास बीमारी है वो काफ़ी ज़्यादा है पॉपुलेशन के अंदर इसका कारण यही है कि आपके पास कुछ लोग आए जो कि उन आइलैंड के अंदर आए और उन्होंने इनब्रीडिंग परफॉर्म की जिसकी वजह से आपके पास जो है जो आपके होमोजाएगागॉड्स हैं वो इंक्रीज़ हो गए रिसस्िव होमोजाइगॉड्स जो है वो इंक्रीज हो गए तो आपके पास जो है उनकी जो आ, जो बीमारी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ठीक है सो द जेनेटिक डाइवर्स डाइवर्जेंस क्रिएटेड बाय द लिमिटेड नंबर ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द न्यू पॉपुलेशन इट इज नोन एज द फाउंडर प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट इस चीज को याद रखिएगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द फंडामेंटलिस्ट चर्च जो आपके पास यूरोप के फंडामेंटलिस्ट चर्च कम्युनिटीज हैं उनके अंदर जो फर्मेस डेफिशेंसी दैफ, है इट इज़ अगेन दी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर फर्मेस डेफिशिएंसी जो है वो उनके अंदर रहती है क्यों रहती है बिकॉज आपके पास अगेन छोटी छोटी आपके पास फंडामेंटलिस्ट चर्च जो है वो आपके पास जो फाउंडर्स हैं वो आ, उन्होंने फंडामेंटलिस्ट जो चर्च कम्युनिटी है वो अलग अलग एरियाज के ऊपर जाके खोल ली अब आपके पास पचास फाउंडर हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जाके जो है वो बस गए वहां पे उन्होंने इनब्रीडिंग की इनब्रीडिंग की वजह से, से जो आपके पास जो फॉल्टी जीन्स थे जो आपके पास जो जो रसेव एलेल्स थे उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास बढ़ गई ठीक है सो द फाउंडर इफेक्ट इट ऑफन रिजल्ट इन टू ठीक है ये इनब्रीडिंग में भी जो है वो आपके पास इनब्रीडिंग में आ, फाउंडर्स को ऑफन इनब्रीडिंग करनी पड़ती है ठीक है क्योंकि लेट से आप जो है वो किसी सुनसान आइलैंड के ऊपर चले गए हो तो आपके पास और कोई चारा ही नहीं होगा ठीक है आपको जो है वो उसी आइलैंड के अंदर जो है वो मैरी करना पड़ेगा ठीक है ओके okay. सो so, इसी चीज को दिखाने के लिए आपके पास जो सीवल राइट right है उन्होंने इनब्रीडिंग ऑफिशियंट दिया इन ब्रीडिंग इट इज एफ इज इक्वल टू वन ओवर टू एन ठीक है सो so, आपके पास होता क्या है कि इन ब्रीडिंग के अंदर आपके पास जो कंसेंगुनिटी है जो आपके पास कंसेंगून मेटिंग है वो जो है वो होनी शुरू हो जाती है कंसेंगुन मेटिंग का मतलब क्या है कि आपके पास जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, उनके बीच में जो है वो आपके पास जो है वो मेटिंग जो है वो होनी शुरू हो जाती है फॉर एग्जाम्पल लेट से सो दिस एन इट रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन अलोंग द जीनोलॉजिकल पाथस बिटवीन द द पेरेंट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास जो है दिस इज द पेरेंट्स ये ये आगे है लड़की ठीक है अब यहां पे आपके पास लेट से इन दोनों की मैरिज होती है इन दोनों की मैरिज के अंदर आपके पास क्या है वट यू हैव हेयर कि आपके पास सिर्फ एक पेयर ऑफ पेरेंट है ठीक है आपके पास कोई इसके बीच में और नहीं है सो एन इज विल इक्वल टू वन सो एफ इज इक्वल टू हाफ एफ जो है वो आपके पास हाफ निकल के आएगा लेट से आपके पास जो है दिस इज केस, और इनके भाई साहब हैं और आप यहाँ पे हो और इसकी इनकी जो है वो बेटी है आपकी जो शादी है वो इनके साथ होनी है और यहां पे आपके पास कितने हैं पेयर ऑफ पेरेंट एक दो दो पेयर ऑफ पेरेंट हैं सो so, f इट इट विल बी इक्वल टू n की जगह पे टू आ गया सो so, f इट विल बी इक्वल टू फोर ठीक है लेट से ये और आगे बढ़ता है देन आपके पास n इट विल बी इक्वल टू थ्री और फोर ठीक है तो जैसे जैसे आपके पास डिस्टेंस दोनों के बीच में बढ़ता जाएगा ऑफ स्प्रिंग्स के बीच में जितना आपके पास डिस्टेंस बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ये डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपके पास क्या होगा दैट आपके पास जो है वो एफ की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी जितनी आपके पास एफ की वैल्यू क्योंकि ये वन ओवर टू एन है ना ठीक है और जितनी आपके पास एफ की वैल्यू डिक्रीज होगी उतना ही है जो आपके पास जो है वो होमोजाइगॉस होमोजाइगोसिटी के चांसेस जो हैं वो आपके पास कम होंगे और जो आपके पास रिसेसिव डिजीजेस हैं जो आपके पास रिसेसिव लीथल जीन्स हैं उनकी भी जो है वो आपके पास एक्सप्रेशंस जो हैं वो कम होंगे ठीक है उनके एक्सप्रेशंस भी जो है वो आपके पास कम आएंगे ठीक है सो दिस एक्सप्रेशन इट वाज गिवन बाय सीवल राइट ये जो है वो आपके पास सीवल राइट right ने एक्सप्रेशन दिया था सबमिशन का मतलब क्या है व्हाट डू यू मीन बाय सबमिशन आप जो है वो इस तरह से पॉपुलेशन में हर किसी का जो है वो आप जो एन है वो कैलकुलेट करके हर किसी का जो है वो आप जो कॉफिशियट है वो कैलकुलेट करते जाइए या फिर एक फैमिली के अंदर जो है वो उसको कैलकुलेट करते जाइए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो है वो आपके पास इस फैमिली का या फिर इस कम्युनिटी का जो फाउंडर कोफिशियंट है या फिर आपके पास इन ब्रीडिंग कोफिशियंट है वो कितना ज्यादा है जितना आपके पास इन ब्रीडिंग कोफिशियंट ज्यादा रहेगा इसका मतलब क्या है कि उतने आपके पास रिसेसिव डिसऑर्डर्स आने के जो चांसेस हैं वो भी जो है वो आपके पास ज्यादा रहेंगे ठीक है सो so, इसके साथ हाउ इट कैन बी यूज इट कैन बी यूज इन जेनेटिक स्क्रीनिंग तो इसको जो है वो आप जेनेटिक स्क्रीनिंग के अंदर जो है वो आप यूज कर सकते हो ठीक है मैं अब एक एग्जाम्पल से जो है वो आपको समझाता हूँ फॉर एग्जाम्पल लेट से दिस इज दी ओरिजिनल पॉपुलेशन ये आपके पास ओरिजिनल पॉपुलेशन है ठीक है आगे चल के हम जो है इन ब्रीडिंग के अंदर इसके प्रॉपर जो है वो वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रॉपर मैकेनिज्म हाउ इट हैपन्स ठीक है प्रॉपर जो है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग हम हमेशा थोरेटिकल से, से करते हैं एक्सप्रेशन से करते हैं फिर उसके बाद जो है वी वी डिस्कस द केस स्टडीज सो इन ब्रीडिंग के अंदर आपके पास प्रॉपर केस स्टडीज जो है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू सो दिस इज सैंपल पॉपुलेशन ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है आपके पास ओरिजिनल पॉपुलेशन में कुछ आपके पास फाउंडिंग पॉपुलेशन ए बन गई एक फाउंडिंग पॉपुलेशन बी बन गई फाउंडिंग पॉपुलेशन ए के अंदर मान लीजिए आपके पास जो है वो ये चार लोगों ने जो है वो पॉपुलेशन बनाई थी और अब यहाँ पे देखिए जो आपके पास रसेसिव चीज़ें होंगी लेट्स आपके पास जो है आ, दिस कलर ये जो आपके पास कलर है दिस इज़ दिससिव वन ठीक है ये रिससिव है या फिर आपके पास आ, इनकी पापुलेशन देख लीजिए जो आपके पास पिंक है लेट से दिस इज़ रिसेसिव ये अपने आप को जो है वो मल्टीप्लाई करेगा ठीक है सो so, इसके जीन्स ने अपने आप को मल्टीप्लाई किया ओवर दी पीरियड आपके पास ये जो ब्लैक कलर है ये भी मल्टीप्लाई करेगा ठीक है लेट्सी इट वाज रिसेसिव तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपके पास होमोजाइगोट्स हैं जो आपके पास होमोजाइगोसिटी है इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग वो जो है वो आपके पास बढ़ती जाती है होमोजाइगॉसिटी डोमिनेंट भी बढ़ती है और रिसेसिव भी बढ़ती है और जो खतरे की बात होती है वो ये होती है कि जनरली जो आपके पास जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो जो है वो आपके पास रिसिसिव के अंदर होते हैं तो जब आपके पास रिसिसिव के अंदर होमोजाइगोसिटी बढ़ती है तो इन दैट केस व्हाट हैपन्स इज़ कि आपके पास जो डिसेंडेंट्स हैं वो उनके अंदर जो है मोरबिडिटी इट कैप्ट ऑन इंक्रीजिंग ठीक है सिमिलरली इज देयर जो फाउंडिंग पॉपुलेशन है वो बी की देख लीजिए ठीक है और दोनों के अंदर आप देख सकते हो देर विल बी डिफरेंसेस दोनों के अंदर प्रॉपर डिफरेंसेस जो है वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे क्यों क्योंकि होमोजाएगागॉसिटी की फ्रीक्वेंसी दोनों के अंदर बड़ी है डिफरेंसेस कब कम होते हैं जब हैट्रोजाइगॉसिटी की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है जब आपके पास होमोजाएगागॉसिटी की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तब आपके पास डिफरेंसेज जो है वो और ज़्यादा जो है वो हाईलाइट हो जाते हैं सो दिस इज़ द फर्स्ट कॉज एंड दिस इज़ दी वन ऑफ द मेजर कॉजिज इन ब्रीडिंग एंड फाउंडर इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट फाउंडर इफेक्ट है इन ब्रीडिंग जो है वो आपके पास होगी होगी अगर इन ब्रीडिंग नहीं करेंगे तो रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे ठीक है ऑब्वियसली अगर फाउंडर्स हैं तो इन ब्रीडिंग करनी पड़ेगी तभी फाउंडर बनेंगे ना ठीक है देन आपके पास जो है वो जेनेटिक बॉटल नेक सो दॉटल नेक इट डेवलप्स वेन द लार्ज पॉपुलेशन इट अंडरगोज द ड्रास्टिक बट टेम्परेरी रिडक्शन इन द नंबर इस चीज को जो है वो हम कहते हैं बॉटल नेक बॉटल नेक का मतलब क्या है कि लेट से टेक द एग्जाम्पल कि जस्ट टेक दिस इज वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल कि जब हम कहते हैं कि होमो इरेक्टस होमो इरेक्टस ये जो है वो आपके पास अफ्रीका से धीरे धीरे जो है वो एशिया की तरफ जो है वो इसने जाना शुरू किया और हम जो है वो मानते हैं कि सेंट्रल एशिया के अंदर देर आर सर्टन काइंड ऑफ बॉटल नेक आपके पास कुछ बॉटल नेक था जिसके अंदर क्या हुआ कि जो होमो एरेक्टस लंबे थे जो हो, होमो एरेक्टस की जिनकी जो लेंथ थी जिनकी हाइट जो थी वो ज़्यादा लंबी थी वो सारे के सारे जो है वो उनकी डेथ हो गई जिसकी वजह से जो आपके पास छोटे थे जो चाइना के अंदर आपके पास होम्योरेक्टस आए हैं वो जो है वो जनरली आपके पास छोटे रह गए ठीक है इसको हम कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट इस चीज को हम क्या कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट कि जब ड्यू टू सर्टन इन्वायरमेंटल कंडीशंस एक पर्टिकुलर जीन को एनवायरमेंट जो है वो टारगेट करता है और उस पर्टिकुलर जीन को एनवायरमेंट जो है वो टेम्परेली रिड्यूस कर देता है इस चीज को हम कहते हैं बॉटल नेक धीरे धीरे आपके पास रिकवर भी हो जाता है ऐसा नहीं है हमने सिलेक्शन के अंदर पढ़ा था कि अगर एनवायरनमेंट को कोई चीज पसंद नहीं आ रही है जब हम हार्डी वाइनबर्ग लॉ भी कर रहे थे उसके अंदर भी मैंने कंक्लूजन निकाल के दिखाया था कि अगर एनवायरनमेंट को कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो वो चीज़ जो है वो हैट्रोजाइगोसिटी के अंदर जाके छिप जाएगी ठीक है जब वो चीज़ हेट्रोजाइगोसिटी के अंदर जाके छिप जाएगी और फिर जो है वो आपका एनवायरमेंट फिर से बदलेगा तो वो जीन्स जो हैं वो दोबारा से अपना एक्सप्रेशन जो है वो शो करना स्टार्ट कर देती हैं सो जेनेटिक बॉटल नेक का मतलब है कि आपके पास कुछ टाइम के लिए जो फिजिकल अपीयरेंस है लोगों की इट इज इन्फ्लुएंस्ड ड्रास्टिकली आपके पास एकदम से जो है वो चीज़ें जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाती हैं ठीक है सो इवन दाउट द पॉपुलेशन इट रिकवर्स इट्स जेनेटिक डायवर्सिटी जो है वो धीरे धीरे जो है कम हो जाती है ठीक है तो लंबे जो है वो आपके पास जनरली कम रहेंगे सो so, एग्ज़ाम्पल द एक्सेसिव हंटिंग ऑफ द एलीफेंट सील्स इन एटीन नाइन्टीज़ ओनली टू इंडिविजुअल लेफ्ट दैट क्रिएटेड दी फाउंडर इफेक्ट ठीक है तो आपके पास जो है वो एलीफेंट सील्स की हंटिंग होनी स्टार्ट होगी एटीन नाइन्टीज़ के अंदर फिर उसके बाद हमने कंजर्वेशन एफर्ट स्टार्ट किए कंजर्वेशन एफर्ट्स में देखा कि दो सील्स रह गए थे दो सील्स को ही मीटिंग करनी पड़ी अब जो है वह आपके पास एलिफेंट सील जो हैं वो जनरली जो है वह आपके पास बिल्कुल एक जैसे हैं

इस आइलैंड के अंदर जो है वो आपके पास कुछ इंडिविजुअल्स गए ठीक है इंडिविजुअल्स कहा जाता है कि 300 के करीब कई ढाई सौ बोलते हैं कई 200 भी कहते हैं कि आपके पास जो है वो इस आइलैंड के ऊपर जो पॉपुलेशन है वो 300 250 400 सौ तक की है तो ये माना जाता है कि व्हाट हैपन्ड वॉज कि पहले जो है वो आपके पास जो फाउंडर इसके बने इस आइलैंड के अंदर सिर्फ आपके पास जो थे वो पंद्रह फैमिलीज थी ठीक है या फिर आपके पास जो थे वो पंद्रह डिसेंडेंट्स थे इनके ठीक है आठ जो थे वो मेल थे सात जो है वो आपके पास तकरीबन जो है वो फीमेल थे उनकी आपस में शादियाँ हुई और आजकल इसकी जो है वो जो त्रिस्तन दाक आइलैंड है उसके अंदर जो है वो आपके पास जनरली यू हैव अबाउट फोर हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड इंडिविजुल सर्टन यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो तीन सौ का नंबर लिखा हुआ है ठीक है सो so, इसके ऊपर देयर आर सर्टन क्लासिकल स्टडीज़ और हमने इनके अंदर जो है वो ये पाया है कि आपके पास जो एस्मा का जो इंसिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है एस्मा का इंसिडेंस क्यों ज़्यादा है क्योंकि जो तीन फाउंडर्स थे इन पंद्रह में से जो तीन फाउंडर्स थे वो आपके पास जो थे देवर सफरिंग फ्रॉम आजमा ठीक है वो अस्थमा से जो है वो सफ़र कर रहे थे क्योंकि वो एस्मा से अस्थमा से जो है वो सफ़र कर रहे थे उसकी वजह से आज कल जो आपके पास जीन्स हैं दे, दे, जो अस्थमा सफर जीन्स कह सकते हो ठीक है दो जो आपके पास वो जीन्स हैं जो फॉल्टी जीन्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ चुकी है ठीक है सो so, इसकी वजह से आपके पास जो है देर इज़ हाई इंसिडेंस ऑफ एसमा इंदर पॉपुलेशन ठीक है फिर उसके बाद ये अगेन इट इज वेरी क्लासिकल अमीश पॉपुलेशन ऑफ यूएसए, ऑल मोस्ट ऑल द अमीश पॉपुलेशन ठीक है तो आपके पास काफी बड़ी अमीश की पॉपुलेशन है यूएसए के अंदर दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ अबाउट टू हंड्रेड फाउंडर्स जो कि आपके पास जो है वो जर्मनी से आए थे इस पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो आपको मिलते हैं जैसे आपके पास ड्वार्फिज्म हो गया ड्वार्फिज्म हमने पिछली क्लास के अंदर किया था कि जो ड्वार्फिज्म है इट इज़ अ रिसेसिव डिसऑर्डर ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है हो सकता है कि आप में ड्वार्फिज्म का जीन हो तो ड्वार्फिज्म जो है दिस इज रिसेसिव डिसऑर्डर मेटाबॉलिक बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जो कि रिसेसिव होते हैं ठीक है अब तो आपके पास इनके अंदर ये जो सारे डिसऑर्डर्स हैं इनका इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज कर चुकी है अमीश पॉपुलेशन के अंदर ठीक है त्रिस्तन कुन्हा अगेन ये जो आपके पास स्टडी है इट इज़ वेरी क्या कह सकते हैं इस चीज़ को कंट्रोवर्शियल स्टडी है ठीक है तो क्योंकि एस्मा जो है इट इज़ नॉट इंटायरली जेनेटिकल एस्मा जो है वो पूरा जेनेटिक्स जो है वो एस्मा को नहीं आ, जो है वो बता सकता कि एस्मा क्यों होता है ठीक है तो एस्मा के अंदर जो है वो आपके पास देर आर सर्टन इन्वायरमेंटल कैरेक्टर्स ऑल्सो कुछ आपके पास इन्वायरमेंटल फीचर्स भी आते हैं कुछ एन्वायरमेंट की देन भी होती है तभी आपके पास जो है वो एस्मा जैसी बीमारी होती है ठीक है तो अगर इस चीज़ को आप ड्रॉप करना चाहते हैं यू कैन ड्रॉप इट नो डाउट एट ऑल थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है ये ठीक है तभी मन भी नहीं मान रहा था इस चीज़ को लिखने के लिए बट सर्टन किताबों के अंदर कुछ किताबों के अंदर जो है वो इसको दिया गया है तो यू कैन राइट इट ठीक है तो इसको जो है वो आप लिख सकते हो अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो इंडिया के कंटेक्स्ट में जो है वो नॉर्थ ईस्ट पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट की जो जोग्राफी जो है वो ये है कि आपके पास एक जोग्राफिकल आइसोलेशन जो है वो पॉपुलेशन को प्रोवाइड होती है ठीक है वहाँ पे पहाड़ हैं वैलीज हैं तो वैलीज़ के अंदर जो लोग रहते हैं जो ज़्यादा दूर जो है वो शादी नहीं करते अगर एक ट्राइब एक वैली के अंदर रह रही है उसका जो एथनिसिटी है वो उसकी लैंड के साथ प्रॉपरली कनेक्टेड है तो ये देखा जाता है कि जो जेनेटिक ट्रेट्स हैं क्योंकि वो एंडोगेमी परफॉर्म करते हैं तो एंडोगी की वजह से जो, जो उनके जेनेटिक ट्रेड्स हैं उनके अंदर फाउंडर इफ़ेक्ट जो है वो आ जाता है तो देव कम्प्लीट लैक ऑफ ए टू दीज आर द जीन्स ए टू सी डी ई के पी सी ये जीन्स जो हैं दे आर नाट देअर ठीक है सो दे आर आपके पास जो जीन्स हैं दे फॉर्म द ब्लड ग्रुप ये जो है वो आपके पास ब्लड ग्रुप जीन्स हैं ए टू जीन है सी डी ई सो ए टू ब्लड एक मैंने बताया था ना कि आपके पास म्यूटेशन होता है एक ए वन बन जाता है एक ए टू बन जाता है सो ए टू वाली जो जीन्स हैं वो भी नहीं है देन आपके पास एक और ब्लड ग्रुप का क्ला, क्लासिफिकेशन होता है सी डी ई क्लासिफिकेशन ठीक है जब हम जेनेटिक मार्कर्स करेंगे तो उसके अंदर मैं सी डी ई क्लासीफिकेशन आपको बताऊँगा ठीक है एंटायरली नहीं बताऊँगा जो इंपॉर्टेंट है उस चीज को जो है वो बताया जाएगा देन आपके पास के अगेन इट्स अ काइंड ऑफ सीरम प्रोटीन ठीक है जो के को एक्सप्रेस uh, करने वाला जो जीन है दैट इज नॉट प्रेजेंट देयर ठीक है तो इस तरह से ए टू के जीन्स प्रेजेंट नहीं है सी डी ई के जीन्स प्रेजेंट नहीं है सेठ एंड से जो स्टडी है ऊपर okay? है, है, है नागाज के अंदर जी सिक्स पी डी डेफिशियंसी जो है वो कहते हैं कि आपके पास नागाज के अंदर बहुत ज्यादा है क्यों है बिकॉज आपके पास ड्यू टू द फाउंडर इफेक्ट कुछ नागा जो थे वो आपके पास एक वैली के अंदर रह गए तो जो है वो सेथ एंड सेथ कहते हैं ठीक है दैट देर वाज देर वाज़ अ स्मॉल हिल ट्राइब नागा तो आपके पास जो थे वो एक वैली के अंदर थे दे इंटरमेट एंडोगी हुई उनके अंदर और मतलब बहुत सारी जनरेशन से एंडोगी चलती आ रही है तो एंडोगी की वजह से आपके पास जो है वो जो जी सिक्स पी जो जीन्स थे जो डेफिशेंट जीन्स थे वो जो है वो आपके पास उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो बड़ी है देन द एबसेंस ऑफ द गोचर डिसीज इज़ अ जेनेटिक गचर डिसीज़ ये क्या है आपके पास जेनेटिक डिसऑर्डर है ठीक है जिसके जिसके अंदर आपके पास जो है वो आ, ग्लूकोसेरिबोसाइड जो है वो सेल के अंदर जो है वो कमोडेट होना स्टार्ट हो जाता है पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर जो है वो अकमोडेट होना स्टार्ट हो जाता है ठीक है सो इट इज वेरी हाई इन दोडोस बोडोज के अंदर काफी हाई रहता है अगेन ये साहा की स्टडी है 1990 की फिर उसके बाद माइक्रोसेटेलाइट जो हैं दे आर दे आर प्रेजेंट इन दी हाई कंसंट्रेशन सॉरी दे आर प्रेजेंट इन दी हाई कंसंट्रेशन इन दी अडी ट्राइब ये अडी ट्राइब के अंदर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के अंदर रहते हैं ठीक है माइक्रो सैटेलाइट का मतलब क्या है व्हाट डू यू मीन बाय दी माइक्रो सैटेलाइट्स सो होता क्या है जस्ट मैं यहाँ पे इसको जो है ड्रॉ करता हूँ ठीक है जैसे आपके पास जो है दीज़ आर क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स ये हैं क्रोमोसोम के ऊपर एक सेकेंडरी इस तरह से फॉर्मेशन बन जाता है इसको हम कहते हैं सैटेलाइट तो ये सैटेलाइट जो है वो आपके पास जब आपके पास जो है वो होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी देन ऑब्वियसली इनकी भी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ेगी जैसे जैसे आप इनब्रीडिंग करते रहते हो तो बेसिकली आपके पास किसी तरह की म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से ऐसी जो है वो आप छोटी छोटी फॉर्मेशंस formation, जो हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर बननी शुरू हो जाती हैं ठीक है तो ये जो माइक्रो सैटेलाइट्स हैं अगेन आपके पास अडी ट्राइब के अंदर जो है वो जो है वो प्रेजेंट होते हैं फिर ये भी देखा जाता है कि उन अडी ट्राइब्स के अंदर जो है वो आपके पास देयर इज हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूबर क्लोसेस ट्यूबर की फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई रहती है स्टमक कैंसर की फ्रीक्वेंसी अगेन आप इनको अगर चाहो तो लिख सकते हो अगर अवॉइड करना चाहते हो तो अवॉइड भी कर सकते हो क्योंकि ये सारी चीजें जो है दे आर देर आर ग्रेट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो कि जिसकी वजह से ये बीमारियाँ होती हैं ठीक है देन आपके पास देर इज एबसेंस ऑफ अटैच्ड ईयरलोब्स ठीक है नंदीवाला के अंदर महाराष्ट्र के अंदर ठीक है आपके पास जो ईयर लोब्स हैं देर आर अटैच लोब्स एंड देर आर फ्री ईयर लोब्स नंदीवालाज के अंदर जो है वो फ्री ईयर लोब्स है अटैच्ड ईयर लोब्स जो है वो धीरे 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 करके जो है वो उसका फिनोटाइप गायब हो गया बिकॉज ऑफ इन ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग की वजह से ठीक है नाउ द क्वेश्चन ठीक है गेटिंग द पॉइंट भाई समझ में आ रहा है आई थिंक एक्सप्लेन जेनेटिक ड्रिफ्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट इन ह्यूमन पॉपुलेशन ठीक है जी नाउ आंसर इन द आंसर यू शुड राइट ओके सो एक्सप्लेन जेनेटिक ड्रिफ्ट इन ह्यूमन पॉपुलेशन ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर हमने जो है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट को समझाना है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो किस तरह से पैदा होती है और उसके कॉजेज क्या हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है सो इन द इंट्रोडक्शन इट सेल्फ इन द इ्ट्रोडक्शन यू हैव टू राइट द डेफिनेशन आप डेफिनेशन लिखोगे कि आपके पास जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो होती क्या है ठीक है तो आप जो है दो तीन चीजें लिखोगे कि आपके पास जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है पहली चीज जो है इट इज द रेंडम फोर्स ये जो है वो आपके पास रेंडम प्रोसेस होती है रेंडम प्रोसेस का मतलब क्या है कि ये ये जो है वो आपके पास चांस के ऊपर जो है वो ज़्यादा डिपेंड करती है डिपेंड्स मोर ऑन दी चांस ठीक है तो चांस जो वर्ड है वो आना जो है वो आपके पास जरूरी है फिर आपके पास जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है सिविल राइट right या फिर आपके पास जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है इसको जो है वो किस तरह से एक्सप्रेस किया गया है हाउ इट इज एक्सप्रेसड ठीक है तो आपके पास जो सीवल राइट इफेक्ट है या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट है इसको किस तरह से जो है वो एक्सप्रेस किया गया है तो दो तरह से एक्सप्रेस किया गया है आपके पास एक तो है विद द फार्मूला ठीक है जिसके अंदर वही ड्राइवड हमने जो है वो एक कंक्लूजन ड्राइव किया था दैट द जेनेटिक ड्रिफ्ट इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दन अंडर रूट ऑफ वन ओवर एन ई ठीक है सो so इससे भी आप जो है वो कर सकते हो एंड uh, और या फिर जो है सिंपली आप फार्मूला भी लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट अंडर रूट को बाहर निकाल लो फॉर यूर कन्वींस क्यू वन माइनस क्यू ओवर एन ठीक है या फिर इसी इस तरह से कर सकते हो जो जो भी आपको सही लगता है उस हिसाब से आप कर लीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है फिर जो है वो आपके पास फाउंडर इफेक्ट फाउंडर इफेक्ट को कैसे सिविल राइट डिफाइन करते हैं कि जितना आपके पास फाउंडर इफेक्ट ज़्यादा होता है उतना जो है वो आपके पास क्या होता है जो होमोजाइगॉसिटी है उसको जो है वो बढ़ने के चांसेस जो है वो उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं जितना फाउंडर इफेक्ट कम होगा उतने होमोजाइगॉसिटी जो है वो आपके पास कम होगी ठीक है इस तरह से जो है वो आपके पास फाउंडर इफेक्ट को आप डिफाइन कर सकते हो सो द फाउंडर इफेक्ट इट इज़ इक्वल टू वन ओवर टू रेज टू दार एन ठीक है ये वाला फाउंडर इफेक्ट ओके सो फाउंडर इफेक्ट की तरह से जो है वो समझा सकते हो तो आपके पास जो सीवल राइट हैं वो जो है वो बेसिकली दो तरह से जो है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट को समझाते हैं दो तरह के कॉजेज़ हैं एक तो फाउंडर इफेक्ट का आपने लिख ही दिया ठीक है फाउंडर इफेक्ट दूसरा है दिस इज द फाउंडर कॉफिशियट फाउंडर इफेक्ट ठीक है दूसरा जो है वो आपके पास है बॉटल नेक बॉटल नेक अगेन फाउंडर इफेक्ट का मतलब क्या है कि आपके पास स्टार्टिंग से ही जो है आ, आप आपस में जो है वो इनब्रीडिंग कर रहे हो शुरुआत ही आपने की है बॉटल नेक के अंदर क्या होता है दैट ड्यू टू सर्टन इंसीडेंट्स ड्यू टू सर्टन एक्सीडेंट्स आपके पास जो है वो कुछ जीन्स जो है वो चले जाते हैं देन इट क्रिएट्स फाउंडर इफेक्ट उसके बाद ये फाउंडर इफेक्ट क्रिएट करता है ठीक है इसके साथ एक और चीज़ एक और कीवर्ड का आना जरूरी है इनब्रीडिंग ठीक है इन ब्रीडिंग को मैं अच्छी तरह से यहाँ पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि इन ब्रीडिंग हम आगे चल के अगेन वी विल ट्राई टू डू इट इन अ वेरी प्रॉपर फॉर्मेट कंसेंगुनिटी और इन ब्रीडिंग को प्रॉपरली जो है वो किया जाएगा कंसेंगून मेटिंग को और जो है वो आपके पास इन ब्रीडिंग को प्रॉपरली जो है वो किया जाएगा ठीक है देन उसके बाद आप जो है वो केस स्टडीज लिखोगे यहाँ पे आपने क्या किया यू हैव प्रूव्ड इट थ्रू एक्सप्रेशंस एक्सप्रेशंस के थ्रू आपने प्रूव कर दिया नाउ यू विल राइट द केस स्टडीज अब जो है वो आप केस स्टडीज़ लिखोगे इन द केस स्टडी यू विल गिव द फर्स्ट केस स्टडी आप पहली केस स्टडी दे वो अगर ऐसमा वाली केस स्टडी देना चाहते हो तो आप जो है वो दे सकते हो कुना आइलैंड के अंदर अगर उसको स्किप करना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं पहली आप जो है वो अमीश पॉपुलेशन की ठीक है अमीश पॉपुलेशन की केस स्टडी दे दीजिए दूसरी आप जो है वो आइए अडी ट्राइब के अंदर अडी ट्राइब की के केस स्टडी दे, दे दीजिए ठीक है आपके पास जो अगेन दो साहा का जो स्टडी है वो दे सकते हो आप ठीक है तो इस तरह से ट्राई टू गिव थ्री और फोर केस स्टडीज़ ठीक है तीन या चार केस स्टडीज़ दिस इज़ फिफ्टीन मार्कर ठीक है तीन से चार जो है वो आप केस स्टडीज़ दे सकते हैं देन यू कैन कंक्लूड उसके बाद जो है वो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि आपको ये जो सारी चीज़ें हैं देयर एप्लीकेबिलिटी इट कैन बी सीन इन दी जेनेटिक काउंसलिंग और पॉपुलेशन स्क्रीनिंग जो आपके पास पॉपुलेशन स्क्रीनिंग है या फिर इसी चीज़ को जेनेटिक स्क्रीनिंग जो जेनेटिक स्क्रीनिंग है उसके अंदर जो है उसकी अप्लीकेबलिटी हो सकती है इस तरह से जो है वो चीजों को आप लिखोगे ठीक है सो प्लीज राइट इट डाउन एंड सेंड इट इन हेयर यहाँ पे आप इस नंबर के ऊपर जो है वो आप इसको भेज सकते हो या फिर आप जो है वो ओ टू आई एस एकेडमी ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो वहां पे जो है वो आप इसको भेज सकते हो ठीक है अगर किसी भी को भी किसी तरह का डाउट आ रहा है सो यू कैन राइट इन दी कॉमेंट सेक्शन कॉमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिखिए ठीक है वी विल डिस्कस दैट इन दमेंट्स इट सेल्फ ठीक है या फिर इस नंबर के ऊपर आप जो है वो कॉल कर सकते हो एंड यू कैन टॉक टू मी मेरे साथ आप बात कर सकते हो कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट आ गया ठीक है जी सो आई होप दिस वीडियो इट वॉज़ वर्थ यूअर टाइम कुछ सीखने को मिला होगा कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज में ठीक है जी चलिए थैंक यू वेरी मच